हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं टेक्टेक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं एमएक्स प्लेयर की कुछ सीक्रेट सेटिंग्स जो मेरे हिसाब से आपको जिनमें से कुछ नहीं पता होगी और कुछ पता भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बेकार लगता है डिसलाइक कर देना, हो सकता है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहला जो कि मेरे हिसाब से शायद आपको पता हो। हम यहाँ पे तीन डॉट पर क्लिक करते हैं। डार्क मोड के बारे में आपको पता होगा शायद, बहुत बच्चों को नहीं भी पता होगा, बहुतों को पता होगा। ठीक है, तो डार्क मोड इसमें आ चुका है एमएक्स प्लेयर में, काफ़ी पहले आ चुका है। ठीक है, पर फिर इसमें जरूर डार्क मोड के अलावा भी आप बहुत सारे मोड लगा सकते हो। ठीक है, वो है इसमें। और ये आपको पता होगा ऑनलाइन वगैरह, यहाँ पे हम कुछ भी वेब सीरीज वगैरह वीडियो को डाउनलोड करना है और वीडियो को कैसे हम शेयर करना है ये मैंने अपनी पुरानी दो वीडियो में बता दिया। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे पहली ट्रिक ये होगी। उसके बाद एक आ जाता है यहाँ पे व्हाट्सअप स्टेटस सेवर। व्हाट्सअप स्टेटस सेवर क्या होता है यहाँ पे, ये जब भी आप जैसे मानो आपके जो व्हाट्सअप के स्टेटस वगैरह होते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप के जो स्टेटस वगैरह जैसे मानो कोई भी हम स्टेटस देखा तो वो देखने के बाद वो इसमें आ जाता है। ठीक है, हम उन्हें यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते। यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, जो जो मैंने यहाँ पे स्टेटस देख चुका हूँ मैं, ठीक है, जो मैं चाहूँ यहाँ पे डाउनलोड। जैसे अगर मैं अभी व्हाट्सएप पे जाके तू एक मानो एक और स्टेटस देखूँ, जैसे नो स्टेटस है, एक और स्टेटस देख लूँगा दसवा, तो वो दसवा यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं वो भी डाउनलोड करना चाहूँ वो भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप जैसे बहुत कई बार ऐसा होता है आपको स्टेटस अच्छा लगता है तो आप उससे मांगते हो, आप मांगने की बजाय उसे डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पे प्यार से। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिक। उसके बाद देखते हैं हम तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक आपको शायद नहीं पता होगी, फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर क्या, देखो आपको पता होगा, देखो एमएक्स प्लेयर ने अपना एमएक्स शेयर निकाला। एमएक्स शेयर क्या है भाई, कई जो बंदे क्या होते हैं कि शेयरिट से क्या, शेयरिट का जो मेन काम होता है आधे से ज़्यादा बंदे क्या करते हैं, ठीक है, मोर देन 50% बंदे यही करते हैं कि भाई शेयरिट से वीडियो वगैरह लेते हैं, वीडियो भी काम मूवी वगैरह लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐप वगैरह सब प्यार से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, कोई जैसे बड़ा गेम हो गया हद गेम कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो 80% बंदे वीडियो लेते हैं, मूवी लेते हैं या कुछ ऐसी चीजें ही लेते हैं जो एमएक्स प्लेयर में शो होती हैं वो शेयर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गया एमएक्स प्लेयर ने कहा कि जो मेरा ट्रैफिक है वो वहां पे क्यों जा रहा है भाई, मैं शेयरिट पे अपने ट्रैफिक को क्यों भेज रहा हूँ, वो एमएक्स प्लेयर से ही शेयर हो। और आपको पता भी होगा यार, शेयरिट जो है बेकार हो गया है पूरा, मतलब उनने भी इतनी सारी चीजें कर दी, वो शेयर ही बहुत आराम से नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एमएक्स प्लेयर ने अपना शेयर निकाला। फाइल ट्रांसफर पर हमें क्लिक करना है। फाइल ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद हमें अगर शेयर करना है, जैसे हम किसी बंदे को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे फोन में एमएक्स प्लेयर होना चाहिए। एमएक्स प्लेयर के अंदर ही आपका ये शेयरिट है, मतलब एक शेयरिट जैसा ही है। ठीक है, उसकी तरह यहाँ पे बस आपको सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपको फाइल सेंड करनी है उस पे क्लिक करके आप सेंड कर सकते हो। ये हुई हमारी तीन ट्रिक। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथी ट्रिक। चौथी ट्रिक जो यहाँ पे आपके अनेबल डेटा सेवर। अनेबल डेटा सेवर यहाँ पे क्या काम करता है, ठीक है, जैसे हमें कोई भी, जैसे आपको पता होगा कि जो भी व्हाट्सअप वगैरह की ये होती है, वो सॉरी जो इसकी ये जैसे इसकी जो वेब सीरीज होती है यहाँ पे, ये काफ़ी मतलब इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा डाटा ये पी जाती है। ठीक है, अगर हम इसे देखो सीधे से मानो 100 MB की वीडियो अगर हम उसे एमएक्स प्लेयर पे ऑनलाइन स्ट्रीम करेंगे तो वो क्या ना क्या काम करती है वहाँ पे, वो 100 की जगह 200 MB पी जाती है। अगर हम उसे डाउनलोड करेंगे तो 100 MB पिएगी। तो उसके लिए अगर हम कभी भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमें हमेशा ये वाला ये क्या नाम है अनेबल डेटा सेवर यहाँ पे मुझे ऑन रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो जो डाटा होगा वो कम पिएगा। ठीक है, क्वालिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस हल्का सा माइनर सा फटा है फर्क आएगा। फोटो गैलरी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमें इंटरनेट चलाना पड़ेगा तो हम नहीं चला रहे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, हम जैसे कोई इंग्लिश मूवी देखते, ठीक है, कई बार उसमें क्या होता है इंग्लिश मूवी बहुतों को समझ आती है बहुतों को नहीं आती। ठीक है, तो हम उसके सबटाइटल्स देख सकते। सबटाइटल क्या होते, तो जैसे मानो मैंने, चलो इसे चलाता नहीं हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ सब, चलो चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, स्टार्ट ओवर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आवाज़ मैं एकदम मंदी कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है, अभी कोई भी सबटाइटल नहीं आ रहा। सबटाइटल क्या होता है, जो नीचे ली जैसे ये आ रहा है ना, देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जैसे जो जो भी इंग्लिश में बोल रहा है वो देखो आई हैव फोटोग्राफ फॉर यू, ठीक है, वगैरह, तो ये होते हैं सबटाइटल। अब ऐसा होता है कई कई सारी वीडियो में क्या होता है कि भाई सबटाइटल होते ही नहीं है। ठीक है, बहुत हमें अलग से डाउनलोड करने पड़ते। तो इसमें देखो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखो आ रहा होगा कहीं पे वो उसका, ठीक है, सर्च सबटाइटल। सर्च सबटाइटल आ रहा है, हमें सर्च सबटाइटल पे क्लिक करना है। बस इसके लिए आपका नेट ऑन होना चाहिए, हमें किस पे क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो अभी इस वीडियो को क्या करेगा, यहाँ पे इसका सबटाइटल ढूंढेगा और उसमें लगा देगा। ठीक है, तो इससे कई बार क्या होता है कि सबटाइटल मिलते नहीं है, तो एमएक्स प्लेयर पे आके आप प्यार से किसी का भी सबटाइटल ढूंढ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, मानो हमने कोई वीडियो चलाई,
ठीक है, हम इसकी वीडियो में कुछ भी एडिटिंग मतलब सॉरी ऑडियो वगैरह, देखो सबटाइटल यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है ऑडियो पे आते हैं। ऑडियो पे आने के बाद हम यहाँ पे इसकी ऑडियो में वगैरह में जैसे ऑडियो ट्रैक, अगर आपको इसका ऑडियो ट्रैक चेंज करना है, जैसे मानो कोई गाना है उसको गाने की जगह मुझे उसी वीडियो पे दूसरा गाना लगाना है, तो मैं ऑडियो ट्रैक पे आऊँगा। ऑडियो ट्रैक देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हिंदी इंग्लिश आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ऑडियो में दोबारा आया हमें, ऑडियो पे आना है आपको। ऑडियो के बाद देखो इसमें यहाँ पे आ रहा है इक्वलाइजर ओपन वगैरह, ओपन पे हम क्लिक करते हैं, देखो ओपन में भी यहाँ पे क्या आ गया फोल्डर वगैरह आ गया कि जहाँ पे भी आ, जैसे मैंने एक रात ट्यून है, अगर मैं ये करूँगा तो ये इस गाने के बैकग्राउंड में लग जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे मतलब एक वीडियो में कोई भी गाना ऐड करना है तो आप एमएक्स प्लेयर से प्यार से कर सकते हो, आपको अलग से भाई कोई फाइल मैनेजर या फिर कुछ भी सॉरी फाइल मैनेजर कह रहा हूँ, कोई भी आपको मतलब एडिटिंग का वीडियो एडिटिंग का टूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये चारों पांचों चीज़ें बता दी हैं, उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ अच्छी लगी होगी। ठीक है, ऐसी इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप चाहोगे तो मैं दूसरा इसका पार्ट भी बना दूँ क्योंकि एमएक्स फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।